जय अष्टोक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग में राहु के बारे में। अब तक हमने अष्टक वर्ग में बात की कि अष्टक वर्ग क्या होता है, प्रस्थारक क्या होता है, विनाष्टक क्या होता है, सर्वाष्टक क्या होता है, समुदाय अष्टक वर्ग क्या होता है, गोचर में इसे कैसे देखते हैं, साढ़े साती में कैसे देखते हैं, शनि की साढ़े साती में कैसे देखते हैं, और अष्टक वर्ग को भावचलित में कैसे देखते हैं, अष्टक वर्ग से विवाह कुंडली मिलान के समय कैसे देखते हैं, इसका त्रिकोण शोधन कैसे करते हैं, एकाधिपति शोधन कैसा करते हैं, उसके बारे में हमने समझा। फिर उसके बाद शोध्य पिंड के बारे में समझा। फिर हमने यह भी जाना कि कोई शुभ दिन निकालना हो अष्टक वर्ग से तो वो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने यह भी देखा जन्मकलीन ग्रह पर जब शनि का गोचर होता है तो शनि कैसे प्रभाव देता है, और दोहरा गोचर भी हमने समझा। अब हमारा इसमें इतने 8 वर्गों के बारे में बात हो गई, कक्षाओं के बारे में बात हो गई, 7 ग्रह और 8वां लग्न, लेकिन हमने राहु का कहीं जिक्र नहीं किया। राहु का कुंडली में काफी महत्व होता है। राहु सूर्य को दोष लगा देता है, चंद्र को दोष लगा देता है, ग्रहण लगा देता है। जब जातक का जन्म होता है तब हम देखते हैं कि ग्रहण में तो नहीं हुआ। राहु मंगल के साथ अंगारक योग बना देता है, गुरु के साथ चंडाल योग बना देता है, तो उसका अष्टक वर्ग में भी हमें थोड़ा प्रयोग कर लेना चाहिए। तो अष्टक वर्ग में इसका कैसे प्रयोग करेंगे, पहले हम समझते हैं राहु का प्रस्थारक कैसे बनेगा और विनाष्टक कैसे बनेगा। वैसे तो आप सब ग्रहों का बना चुके हैं, आपको बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आइए इसे चित्र से देखते हैं, राहु का प्रस्थारक वर्ग कैसे बनेगा। आप चित्र में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सूर्य ग्रह लिखा है, चंद्र ग्रह लिखा है, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, शुक्र, शनि और लगन। इन ग्रहों ने राहु को शुभ बिंदु दिए हैं। अब राहु का प्रस्थारक बनाते हैं। प्रस्थारक में सबसे पहले शनि ऊपर है, तो हम शनि में देखेंगे। शनि ने 3रे, 5वें, 7वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव में शुभ बिंदु दिए हैं। तो हमारा जो शनि है प्रस्थारक वर्ग में सिंह राशि में बैठा है, तो सिंह राशि से हमने 3रा, 5वां, 7वां ले लिया, उसके बाद 10वां, 11वां, 12वां ले लिया। इस प्रकार हमने शनि के शुभ बिंदु राहु के प्रस्थारक में भर लिए। अगली कक्षा गुरु की है। गुरु शुभ बिंदु दे रहा है 5वें, 6ठे, 7वें, 11वें, 12वें भाव में। गुरु बैठा कहाँ पर है, गुरु धनु राशि में बैठा है। यहाँ से इसका 5वां भाव मेष हुआ, 6ठा वृष हुआ और 7वां मिथुन हुआ, इनमें शुभ बिंदु दिए। उसके बाद गुरु हमें शुभ बिंदु दे रहा है 11वें, 12वें, तो गुरु के 11वें और 12वें में तुला राशि में और वृश्चिक राशि में शुभ बिंदु गुरु ने दिए। इस प्रकार हमने राहु का प्रसारक गुरु से भी बना लिया। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल शुभ बिंदु दे रहा है 2रे, 3रे, 5वें, 12वें भाव में। तो अब मंगल को देखते हैं, मंगल बैठा कहाँ है। मंगल कन्या राशि में बैठा है। कन्या राशि से 2रे, 3रे, 5वें और 12वें भाव में शुभ बिंदु मंगल ने दिए। इस प्रकार हमने मंगल का भी भर लिया। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। मंगल के बाद बात करेंगे सूर्य की कक्षा की, क्योंकि अगली कक्षा सूर्य की आएगी। सूर्य शुभ बिंदु दे रहा है 1रे, 2रे, 3रे, 5वें, 7वें, 8वें और 10वें। सूर्य हमारा बैठा कहाँ पर है, वृश्चिक राशि में सूर्य बैठा है 1रे, 2रे, 3रे, उसके बाद 3रे के बाद 5वें, फिर 7वें, 8वें और 10वें भाव में सूर्य ने शुभ बिंदु दिए। इस प्रकार हमने सूर्य के भी शुभ बिंदु भर लिए राहु के प्रस्थारक में। सूर्य के बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र शुभ बिंदु दे रहा है 1रे, 3रे,
चौथे, छठे और आठवें भाव में। शुक्र बैठा है तुला राशि में, पहले, तीसरे, चौथे और छठे भाव में शुक्र ने शुभ बिंदु दिए। उसके बाद आठवें भाव में शुक्र ने शुभ बिंदु दिए। इस प्रकार हमने शुक्र का प्रसारक भी बना लिया। अब हम शुक्र के बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह शुभ बिंदु कब कब देगा? बुध ग्रह देगा बिंदु 2, 4, 7, 8, 12। बुध ग्रह बैठा कहाँ पर है? तुला राशि में, दूसरे। बुध ग्रह दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें भाव में शुभ बिंदु दे रहा है। इस प्रकार हमने बुध ग्रह के भी शुभ बिंदु भर लिए। अब हम बात करते हैं बुध के बाद चंद्र ग्रह की। चंद्र शुभ बिंदु कब दे रहा है? पहले, तीसरे, पांचवें। तो चंद्र बैठा है कर्क राशि में, पहला, तीसरा, पांचवा। उसके बाद चंद्र शुभ बिंदु दे रहा है सातवें, आठवें, नौवें और दसवें भाव में। इस प्रकार चंद्र ने शुभ बिंदु दे दिए। अब हम बात करते हैं लग्न की। लग्न से देखेंगे कि शुभ बिंदु कहाँ कहाँ मिलेंगे, तीसरे, चौथे, पांचवें, नौवें और बारहवें में। इस प्रकार हम लग्न से भी भर लेंगे। लग्न है चार नंबर, इससे तीसरा, चौथा, पांचवा, नौवा और बारहवा शुभ बिंदु राहु को दे दिए लग्न ने। अब जब हमारे ये प्रस्थारक की टेबल बन गई, अब हमें इसे राशि वाइज टोटल करना है। ये मेष राशि है, ये मेष राशि हुई। मेष राशि का अगर टोटल करेंगे तो 3 आएगा, वृष राशि का टोटल करेंगे तो 5 आएगा, मिथुन राशि का टोटल करेंगे तो 4 आएगा, कर्क राशि का टोटल करेंगे तो 2 आएगा, सिंह राशि का टोटल करेंगे तो 2 आएगा और कन्या राशि का टोटल 3 आएगा। इसी प्रकार तुला राशि का 5, वृश्चिक राशि का 6, धनु राशि का 3, मकर राशि का 5 और कुंभ राशि का 2 और मीन राशि का 4। ये जो मैंने आपको बिंदु बोले 3, 5, 4, 2, 2, 3, 5, 6, 3, 5, 2, 4, ये हमारा बन गया राहु का प्रस्थारक। अब प्रस्थारक को हम कैसे बनाते हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। प्रस्थारक के टोटल को टेबल में भर लेंगे, कुंडली में भर लेंगे, राहु का विनाष्टक तैयार हो जाएगा। ये 4 नंबर की कुंडली है, सर्कल में मैंने सारे बिंदु डाले हुए हैं। आप मेष राशि से लिखना शुरू करो, यहाँ से 3, 5, 4, 2, 2, 3, 5, 6, 3, 5, 2, 4। इस प्रकार से हमारी ये राहु के विनाष्टक की टेबल भी तैयार हो गई और राहु का प्रस्थारक भी तैयार हो गया। ये इसके साथ जन्म कुंडली लगी हुई है, जो मैंने स्टार लगाए हुए हैं इसमें कि ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। राहु को मैंने मिथुन राशि में बताया, ऊपर राहु का स्टार मिथुन राशि में लगाया है। इस प्रकार राहु का हमारा प्रस्थारक तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। हमने अष्टक वर्ग में राहु का प्रस्थारक और विनाष्टक बना लिया। जैसा कि आपने देखा, विनाष्टक में उसको भिन्न भिन्न बिंदु मिले। जो उसको बिंदु मिले उसके हिसाब से वो कुंडली में अपना फल देता है। राहु कैसे फल देता है? केंद्र त्रिकोण में शुभ फल अगर शुभ होगा तो राजयोग जैसा फल दे देता है, और अशुभ होगा तो अर्श से फर्श पर नीचे लाने में उसको देर नहीं लगती। तो राहु को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो जैसा हमने राहु का चार्ट देखा प्रस्थारक वर्ग का, उससे फिर विनाष्टक देखा। विनाष्टक में हमने देखा 11वें भाव में हमें 5 बिंदु मिले, 7वें भाव में 5 बिंदु मिले, 5वें भाव में 6 बिंदु मिले और 4थे भाव में 5 बिंदु मिले। तो जब जब राहु इन भावों से गुजरेगा और जब जब राहु इन भावों से गुजरेगा तो राहु जातक को शुभ फल देने की कोशिश करेगा और शुभ फल देगा, क्योंकि विनाष्टिक में 5 बिंदु या 6 बिंदु होना राहु के लिए काफी महत्व रखता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे जब लाभ भाव में से राहु गुजरेगा
एक तो वो उच्च का, और फिर उसको बिंदु मिले 5, उसका शुभ प्रभाव देगा, हर स्थान से लाभ, मित्रों से लाभ, इस प्रकार के उसको फल मिलेंगे जातक को। जब वो सातवें भाव से गुजरेगा तब भी उसने 5 पॉइंट दिए, उसके हिसाब से जातक पार्टनरशिप से, पत्नी से, साझेदारी से, इन सब से लाभ दिलवा सकता है। उसके बाद राहु जब 5वें भाव में से निकलेगा तो उसको 6 बिंदु मिले, यहां भी बुद्धि के कार्य होंगे, बुद्धि से लाभ, इस प्रकार के कार्य होंगे। उसका जो 1.5 वर्ष होगा राहु का, काफी अच्छा जाएगा। उसके बाद जब वो 4थे भाव से गुजरेगा तब भी उसके 5 बिंदु हैं, तो उसका यह काल भी काफी अच्छा जाएगा। मित्रों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, जब आप राहु का अष्टक वर्ग में प्रयोग करते हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि यह उल्टा चलता है, मतलब तीसरी राशि से दूसरी राशि में, दूसरी राशि पहली राशि में, और पहली राशि से 12वीं राशि में, फिर 11वीं राशि में, फिर 10वीं राशि में, फिर 9वीं राशि में, फिर 8वीं राशि में, फिर 7वीं राशि में, फिर 6ठी राशि में, 6ठी के बाद 5वीं राशि, 5वीं के बाद 4थी, और 4थी के बाद फिर वापस 3री राशि। पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 18 वर्ष लगते हैं। तो जहां जहां उसके बिंदु शुभ होंगे वहां वह वहां पर वो शुभ फल देने का मौका हमें देता है, अवसर हमें देता है। तो इस प्रकार हमने अष्टक वर्ग को पूरा किया, तो हमें एक बार राहु का प्रभाव भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राहु शनिवत प्रभाव देता है और केतु मंगलवत प्रभाव देता है, तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हमने अष्टक वर्ग को इतने अच्छे से सीखा तो इस बात का भी ध्यान रख लेना चाहिए कि राहु हमें किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, या राहु से हमें क्या लाभ हो सकता है, या राहु से हमें क्या नुकसान हो सकता है, यह सब हमें देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी अष्टक वर्ग की सीरीज पूरी हुई। यदि यह सीरीज आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला अगला वीडियो भी आपको सीधा मिलता रहे।